हे गाइस, वेलकम बैक टू डिस्कवरिंग नियर बाय। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक लेजी शेफ जो कुछ लेजी आइटम्स हमें बताना सिखाएगा। बताइए आज हमें क्या बनाना सिखाएंगे। आज हम बनाएंगे कस्टर्ड केक। और आप लोग सब घर में बोर हो रहे होंगे तो आप लोगों को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, सो इसीलिए एक इजी वे में हम जो है कस्टर्ड केक बनाएंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। कस्टर्ड केक बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक बाउल, एक कंटेनर और कुछ इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले मैदा, बेकिंग पाउडर, कस्टर्ड पाउडर, मिल्क, ऑयल, पाउडर्ड शुगर और ड्राई फ्रूट्स। फर्स्ट स्टेप में हमें एक बाउल में एक कप मैदा, दो स्मॉल स्पून बेकिंग पाउडर, टू बिग स्पून कस्टर्ड पाउडर मिक्स कर लेने हैं। सेकेंड स्टेप में हमें सेकेंड बॉल में हाफ कप ऑयल एंड हाफ कप पाउडर्ड शुगर को मिक्स करना है 3 to 4 minutes। थर्ड स्टेप में हमें इन दोनों बाउल के मिक्सचर्स को आपस में मिक्स कर लेना है। फोर्थ स्टेप में हमें एक कप मिल्क इस मिक्सचर के अंदर ऐड करना है और मिल्क को हम धीरे धीरे ऐड करेंगे ताकि इसके अंदर लंप्स ना बने। और फिफ्थ स्टेप में हम ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट्स पर हम हल्की मैदे की कोटिंग कर देंगे ताकि वो इवनली मिक्स हो जाएं। नेक्स्ट स्टेप में हम एक कंटेनर में ऑयल की कोटिंग कर लेंगे ताकि हमारा केक जो है वो आराम से बाहर आ सके, जिसे हम डीमोल्डिंग भी कहते हैं। और अब हम इसे रखेंगे माइक्रोवेव ओवन में 35 मिनट्स के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पर। और आप इसे रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। और अब यह है हमारा फाइनल केक। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।